हाय एवरीवन, जय श्री राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए। तो यही सब चीज़ें मुझे और ज़्यादा एक्साइट करती है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट शूट करूँ और अच्छा अच्छा वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आऊँ। तो आज है वेडनेसडे। ये वीडियो पता नहीं कब अपलोड हो गई बिकॉज मेरे पास बहुत लाइंड अप डेटा रहता है और वो मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ बिकॉज एडिटिंग के लिए टाइम नहीं मिलता है। थोड़ा टाइम निकालना डिफिकल्ट होता है, बट हाँ आई जस्ट ट्राई कि मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट शूट करूँ, आप तक के अच्छे अच्छे वीडियोज में पोस्ट करके बताऊँ। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आज मैंने वर्कआउट में क्या किया। तो अभी मैं वर्कआउट के लिए रेडी हो गया हूँ। तो यूजुअली मैं मॉर्निंग में जाता हूँ वर्कआउट करने, बट आज थोड़ा सा टाइम क्रंच था और काम भी ज्यादा था, तो आज मैं इवनिंग में जाने वाला हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी जिम कैसी है और मैं आज जिम में क्या वर्कआउट करने वाला हूँ। उसी के साथ साथ मैंने अभी प्री वर्कआउट पिया है, तो आई एम फुल ऑफ एनर्जी। सो देखते हैं कि आज जिम में मैं क्या वर्कआउट करता हूँ और आज का जिम का दिन कैसा जाता है। तो बी विथ मी, स्टे ट्यून। वर्कआउट में क्या करेंगे बताओ ना यार भैया। शोल्डर टाइम कम है आपके पास? टाइम कम है, बहुत ही कम। वार्म अप हो गया है, अब आज करूँगा मैं शोल्डर का वर्कआउट। भैया थोड़े बिजी थे नीचे तो इस वजह से थोड़ा उनसे बातचीत नहीं हो पाई। शाम को पता तो है कैसा क्राउड आता है जिम में। यू कैन गेस राइट, बड़े हरामी हो बेटा। तो बस वैसा ही क्राउड है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मॉर्निंग में जिम आऊँ तो आराम से शांति से वर्कआउट भी हो जाता है, मज़ा भी आता है, साथ में दोस्त भी रहते। तो आज दोस्त भी नहीं आए, आज सिर्फ भैया हैं। तो भैया से आपको स्पेशली अलग से मिलाया जाएगा, बताएंगे, उनका इंट्रोडक्शन होगा ब्रीफ हमारे चैनल पे। मैं करूँगा अपना कैमरा सेटअप और जितना हो सकेगा उतनी बात करने की कोशिश करूँगा, बट हाँ ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते ड्यूरिंग वर्कआउट। तो या मुरझाया तो मैं भी हूँ भैया, शाम हो गई, सुबह से काम कर रहे। भैया नितेश भैया मेरे बड़े भैया है, पर्सनल ट्रेनर प्लस बड़े भैया ज्यादा है भाई। अभी नहीं, अभी मत डालना। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। जब भी डालूंगा तब देख लेना आप सब। हमारी मस्ती चलती रहती है जिम में मजा इसलिए आता है, सब भैया लोग हम लोग मस्ती करते रहते हैं तो वर्कआउट भी होता है। तो क्या क्या बोले भैया? कम करते हैं, मस्ती ज्यादा करते हैं, रोज लेट आते हैं। लेट तो आते हैं, 11:30 तक आ ही जाते हैं बंदा। शाबाश बेटा। तो अभी वार्म अप कंप्लीट करने के बाद मैं कर रहा हूँ पुशअप्स। तो अभी पुशअप्स करने के बाद मैं करूँगा अपना मेन वर्कआउट स्टार्ट। और मैं पुशअप्स के जनरली 2 से 3 सेट करता हूँ जिसमें ऑलमोस्ट 50-60 रेपिटेशन हो जाते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि पुशअप्स हम इसीलिए करते हैं कि आपके बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़े और आपकी बॉडी में थोड़ा सा पंप दिखे, और ये करने से ड्यूरिंग वर्कआउट इंजरी के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो जैसा अभी आपने देखा, जो एक्सरसाइज अभी भैया ने बताई थी, ये हमारी शोल्डर की वार्म अप एक्सरसाइज जिसमें मैंने अभी बारबेल रॉड लिया है और वही सेम पोजीशन, वही सेम जेस्चर को मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिस वजह से ये शोल्डर पे बहुत अच्छा पंप दे रहा है और बहुत अच्छे से ये हम हमारे शोल्डर का वार्म अप एक्सरसाइज यहाँ पर कम्प्लीट कर रहे हैं। तो इसका ऑलमोस्ट मुझे 15-16 रेपिटेशन निकालना है फर्स्ट सेट में जैसे भैया ने बताया, और इसका मैं रिपीट करूँगा टोटल 3 सेट। ये 3 सेट करने के बाद मैं जाऊँगा मेरी मेन एक्सरसाइज। और ये फर्स्ट सेट कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी बॉडी में अभी से ही पंप दिखना स्टार्ट हो गया है। 15 मारने में ये वार्म अप सेट था तो इसी में मजा आ गया, देखते हैं आगे। तो अभी हम करेंगे शोल्डर डंबल प्रेस। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा शोल्डर डंबल प्रेस, उसमें मैं लाइट वेट से हैवी वेट तक के जाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो टोटल 4 सेट्स रहेंगे। तो मैं आपको थोड़ा मेरे बारे में बता दूं कि मैं पहले बहुत ही दुबला सा था और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो भी मैं डालूंगा आगे इन फ्यूचर। इन केस आपको मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखना है तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैं कैसा लीन था, कैसा दुबला सा था, एंड यू कैन सी मी नाउ हाउ आई लुक लाइक। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करने में ऑलमोस्ट, वो जो फोटोज़ आप देख रहे हैं वो फ़ोटो मेरी 2018 की है एंड नाउ इट्स 2024। तो मैंने अच्छा खासा ट्रांसफॉर्म किया है। इफ़ यू वांट टू सी द वे आई हैव ट्रांसफॉर्म तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स सो दैट मैं भी आपको शेयर कर पाऊँ वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड कर सकते हैं। और जैसे वो चीज़ें मुझे हेल्प करी तो कहीं ना कहीं वो आपको भी हेल्प कर सकती है टू ट्रांसफॉर्म योर बॉडी।
और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं एज अ वेजिटेरियन अपनी डाइट में क्या क्या लेता हूँ, मैं अपनी डाइट में क्या क्या फॉलो करता हूँ, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम डूइंग द जिम वर्कआउट मैं जॉब भी करता हूँ, तो मुझे अपनी डाइट को फॉलो करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है एज अ वेजिटेरियन, बिकॉज हमारे पास प्रोटीन सोर्सेज बहुत कम है। बट हाँ, स्टिल आई मैनेज टू डू एवरीथिंग जो एटलीस्ट मेरी बॉडी को अच्छे से रख पाए और मैं अपनी वर्क लाइफ और फिजिकल हेल्थ को बैलेंस कर पाऊँ। आई पर्सनली इनक्रेज एवरी वन कि आपको एटलीस्ट कोई एक फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए ऑन द डेली बेसिस, सो दैट वो आपकी बॉडी को भी हेल्दी रख पाए। आपको फिजिकली एक्टिव रहना, इट्स नॉट लाइक कि आपको सिर्फ जिम करना है, यू कैन डू एनीथिंग, योगा, जुम्बा, स्विमिंग, रनिंग, दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ द फिजिकल एक्टिविटीज़ जो आपकी बॉडी के लिए ही अच्छा होगा। और ये सारी एक्टिविटीज़ से हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम एंड्रोफिन्स कहते हैं, जो हमारी ब्रेन और बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जैसे आप अभी देख सकते हैं कि मेरी बॉडी अच्छी पंप हो गई है आफ्टर डूइंग द शोल्डर डंबल प्रेस। इसके बाद मैं करूंगा थोड़ी पोजिंग, बिकॉज पोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड एक्सरसाइज अब हम करेंगे डंबल फ्लाइज, तो उसका पहला सेट है, तो थोड़ा लाइट से चालू करेंगे, देन मैक्सिमम पुश करूंगा 3 सेट तक के, देखते हैं। तो अभी जो मैं शोल्डर के लिए डंबल फ्लाइज करने वाला हूँ, इसे मैं बहुत ही लाइट वेट से स्टार्ट करूँगा। और ये जो मैं करने वाला हूँ, एक ये नया वेरिएशन है जिसमें आपका शोल्डर बहुत अच्छे से इंक्लूड होगा। आपने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप भी एक बार इस वेरिएशन को ट्राई कीजिए। इससे बहुत अच्छा पंप आया था मुझे। और अगर आप भी वर्कआउट करते हैं और आपको पता है कि सेम एक्सरसाइज को हम दूसरी वेरिएशन से कैसे कर सकते हैं जिससे हमें अच्छा पंप आए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, सो दैट मैं भी वो एक बार ट्राई करूँ और आई विल शेयर माई फीडबैक कि उस एक्सरसाइज से मुझे कितना अच्छा पंप आया या मुझे कैसी लगी वो एक्सरसाइज। ऑल्सो ड्यूरिंग वर्कआउट मैं हमेशा यही फोकस करता हूँ कि मेरा मसल एंड माइंड का कनेक्शन बना रहे, जिस वजह से हमारे जो मसल के ऊपर जहाँ जहाँ पर प्रेशर आ रहा है वो हम अच्छे से फील कर पाए और फोकस से हमारे जिम को कर पाए, एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर पाए। ऑल्सो हाइड्रेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग वर्कआउट। तो जैसे ही मेरे सेट कंप्लीट होते हैं, आई जस्ट टेक अ सिप ऑफ वाटर एंड सिट फॉर 1 or 2 minutes, जिससे हमारी बॉडी में पंप भी रहता है और हमारी बॉडी जल्दी फटीग भी नहीं होती है। तो मैं ये वाला जो चीज़ है बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ एंड इट्स हेल्पिंग मी अ लॉट, सो ऑल्सो शेयर योर ओपिनियन। तो हम नीचे जाएंगे, बचाओ वर्कआउट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद प्रोटीन पी के घर, भाई मज़ा आ गया। देखो अब आगे वर्कआउट क्या करते हैं। तो अभी मैं करूँगा रियल डेल्ट के मैं करूँगा 3 सेट। ये 3 सेट करने के बाद मैं स्टार्ट करूँगा अपराइट के 3 सेट्स। 3 सेट करने के बाद मैं करूँगा फिर फ्रंट रेस के भी 3 सेट, और उसके बाद श्रग्स के 2 सेट करके मैं वर्कआउट कर दूँगा ख़त्म। ये सारी एक्सरसाइज मैं एक साथ इस वीडियो में नहीं डाल सकता था, तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालता हूँ जिसमें आप मैं जो जो एक्सरसाइज करता हूँ उसके छोटी छोटी सी क्लिप्स में अपलोड करता हूँ, जो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई दूसरा वर्कआउट वीडियो लेकर के आऊँ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, पहले मैं कैसे थिन सा था और अभी मेरा अभी तक की जर्नी कैसी रही, तो ऑल्सो लेट मी नो। तो आज का हमारा शोल्डर का वर्कआउट ख़त्म हो गया है, तो अब हम बस प्रोटीन पिएंगे और जाएंगे घर, और उसके बाद लेंगे हमारा डिनर करने के बाद करेंगे आज रेस्ट, क्योंकि आज काम भी बहुत था ऑफिस में, प्लस अभी वर्कआउट भी अच्छा मैंने हैवी कर लिया है। तो बस अभी प्रोटीन पीऊँगा और घर जाऊँगा, दैट्स इट, डन फॉर माय वर्कआउट डे। हाँ अभी चालू बोल दो। प्लीज गाइज, प्लीज सपोर्ट करिए मेरे चैनल को जिससे मैं और ग्रोथ कर सकूँ। मैंने ये भी चेक किया है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स मेरे वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते और चले जाते हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज अगर आप वीडियो देखते हैं और आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मुझे और सपोर्ट मिलेगा कि मैं अच्छे अच्छे कंटेंट और शूट कर पाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो अभी मैं आजकल ले रहा हूँ क्रिएटिन, सो दिस इज़ माय क्रिएटिन, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, स्टेट क्रिएटिन आई एम नॉट प्रमोटिंग, बट हाँ बहुत अच्छा क्रिएटिन है, सो इससे रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं मुझे सो फार। तो अभी मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, और प्रोटीन में आई विल नॉट प्रमोट एनी ब्रांड, बट हाँ प्रोटीन अभी अवतार का ले रहा हूँ विच इज़ गुड, अच्छा प्रोटीन है, बहुत टाइम से ले रहा हूँ, इंडियन ब्रांड है तो बहुत अच्छा है, सो रिजल्ट भी अच्छा दिख रहा है उससे। तो अभी हमने प्रोटीन वोटीन सब पी लिया है, अब मैं जाऊँगा घर। तो गाइज अभी तक आप कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।
साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्लीज सपोर्ट एंड स्टे ट्यून्ड बाय।